रिकॉर्डिंग ऑन है, स्ट्रीम आ जाने के रिकॉर्डिंग होता है। मैंने प्रॉब्लम चल रहा है ना, इधर इधर कर नहीं, ठीक है ना, यूट्यूब पर डालो हां, ऑप्शन क्या नीचे पर गल गल को हेलो 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 सर बिल्कुल आ जी हेलो 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 चलिए सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे है सब लोग? अरे कैसे है सब? बढ़िया बढ़िया है ना, ठीक। बस एक बार आवाज आके कंफर्म करेंगे क्या ऑनलाइन, सबसे मेन टास्क। साक्षी क्या नहीं कंफर्म, आवाज आ रहा है क्या? हेलो 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 साक्षी, मैं ऑडिबल ऑनलाइन आवाज आ रही है? चल ओके परफेक्ट, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो हेलो आ गए सब लोग? ओके ग्रेट, चलो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, आज से अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे अपने डिसाइड किया था कि दो पार्ट है, बैठ जाओ जल्दी आराम से। पहला पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एकदम सिंपल पार्ट है, 30 मार्क्स, चार चैप्टर है, उसको हम पहले फटाफट कंप्लीट करते हैं एंड देन अपन एफएम स्टार्ट करेंगे। फिर वो ओल्ड सिलेबस हो या न्यू, दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर है ओल्ड सिलेबस को मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। चलिए तो आज का पहला चैप्टर है, जैसा कल लास्ट लेक्चर में क्या हुआ, बस मैंने आपको ये सब्जेक्ट कैसा उसको मैंने आइडिया दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने को क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट कैसे डिजाइन किया गया है। अभी आज अपन स्टार्ट करेंगे डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन। अच्छा कल इसमें अपन ने डिस्कशन किया था कि नाउडेज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एवरी इंडस्ट्री, क्या होता है वो, डेटा होता है। मैंने क्लास का इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि हम जब मार्केटिंग करते हैं तो गूगल हमको रिजल्ट देता है कि कौन से एरिया से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास अनल स्टूडेंट कहाँ से, ये सब पूरा हम डेटा एनालिसिस करते हैं। वी हैव अ सॉफ्टवेयर, जैसे ऐसे काफी लोग बाहर से, कितने लोग बाहर से हैं, हाँ तो ये काफी लोग अलग अलग सिटीज से आए हैं, तो अकॉर्डिंग डेटा रहता है, उस बेसिस में वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे मार्केटिंग करना है। तो हर एक कंपनी चेक करती है कि उनका मार्केट सेगमेंट, जैसे मैंने क्लास में कहा था कि साउथ इंडिया में मैरिटाइम स्पेंड नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि दे वांट प्योर इंग्लिश एंड ये यू वांट प्योर हिंदी, सो इट्स दोनों रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ऐसा है। चलिए सो डेटा आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन, ठीक है ना। डेटा का मतलब क्या होता है, है ना, 2 GB 1 GB डेली वो नहीं, अब बोलेंगे सर 1.5 GB पर डे। हाँ डेटा का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, यस, बट इंफॉर्मेशन के पहले डेटा होता है। डेटा मीन्स इट्स अ रॉ डेटा जो आपने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर होता है, है ना। इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल अपने क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन किया, करेक्ट ना, वो क्या होता है, वो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है। हाँ तो डेटा का प्रोसेस होकर जो आता है वो होता है इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ रॉ फॉर्म, डेटा का मतलब क्या है, रॉ फॉर्म होता है, इसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे मैं देखेंगे डिटेल में आपको डायग्राम बना के दूंगा, इसमें बहुत सारे आपको डायग्राम बना के दूंगा। साइंस का मतलब मैंने कल ही कहा था, व्हाई इट्स कॉल्ड साइंस, बिकॉज ये प्रूवन है। साइंस में हर एक चीज प्रूवन रहती है, अजम्पशन रहती है, प्रूवन रहती है कि ये ऐसे दो केमिकल मिक्स होंगे तो ये आउटपुट आना क्या है, कन्फर्म है। तो इस तरह का नाम क्या है कि ये जो साइंस है प्रूवन है, प्रूवन है मतलब ये बेस्ड ऑन डेटा है। एंड लास्ट बार जो अपन ने मार्केटिंग कैंपेन रन किया था उसमें कहां से कस्टमर आते हैं उसी एरिया में मार्केटिंग करना क्या है, अकलमंदी का काम है, बस वैसा है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, हाउ डू डिफाइन बिजनेस, अरे बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट नहीं, बिजनेस मतलब है एनी एक्टिविटी डन
विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट है करेक्ट. एंड डिसीजन का मतलब क्या, व्हाट इज माय डिसीजन, मैं एकदम सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ, बोलो फिर मैं डिटेल में बताऊँ डिसीजन का मतलब क्या है. सो डेटा मतलब अभी जो हम बात करें वो है रॉ डेटा है ना, मतलब मार्केट, जैसे आपको कार खरीदना है, मैं कल एग्जांपल दिया था, यू वेंट टू 10 डिफरेंट शोरूम, यू ब्रॉट द ब्रोशर, 10 कंपनी में आप जाके आए, फिर 10 में से अपन ने सॉर्टिंग करके 2 पे आ गए, तो वो पहला था डेटा, रॉ डेटा था वो, उसको हम प्रोसेस करते करते अपन उसको इन्फॉर्मेशन लेके गए. बोला डिसीजन का मतलब क्या है, जो भी अल्टरनेटिव्स है उसमें से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सा गाड़ी लेना है. तो डिसीजन मेकिंग भी क्या है कि जितने भी अपने पास अल्टरनेटिव है उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा गाड़ी लेना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालना है, तो उसको बोलते हैं डिसीजन. आइए तो इसमें पहले पढ़ते अपन इसमें क्या क्या दिया, देखो दीज आर द यू कैन से स्मॉल टॉपिक्स जो अपन कवर करेंगे पहले चैप्टर में, मीनिंग नेचर प्रॉपर्टीज स्कोप ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, डिटेलाइजेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू डिसीजन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऐसा सब दिया है. तो अभी अपन यहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है. देखो अभी पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूं, आप बताना मतलब मैं एक टेबल बना रहा हूं ऐसे ही ठीक है, इससे आपको क्या समझता है मेरे को आपको बताना है. जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर है, आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, एंड आई राइट हियर वेट लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं ठीक है. सो आई राइट 46, कोई कुपोषित है 35, घर वाले खाना नहीं देते तो हो सकता है ऐसे ठीक है, ऐसे रैंडम में लिख रहा हूं जो भी होगा कम ज्यादा 20-30 किलो इधर उधर, ज्यादा सोचना मत, स्पेशली अपने वेट के बारे में मत सोचना ठीक है. सो अभी ये मैंने जो ये जो लिखा है ये क्या है, आप कुछ बता सकते हैं क्या, आप कुछ भी बता सकते हैं क्या, नहीं कैन यू गेस एनीथिंग, आप ये हो सकते हैं कि ये वेट लिखा अपने रेस्टोरेंट का, बट इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं बस इसको बोलते हैं डेटा, ये मैं बताऊंगा आपको समझेंगे, इसलिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखता है, ये रॉ डेटा है, ये क्या है रॉ डेटा है. हाँ फिर इसको अगर मैंने प्रोसेस किया और मैंने पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका वेट क्लास में 45 to 55 है ओके ना, देन यू विल हैव टू प्रोसेस दिस डेटा. तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे, कौन से स्टूडेंट्स अगर बोला मैंने आपको, तो ये एक है, उसके बाद ये दो है, ये तीन है, तीन है ना, और कोई एक है चेक करो, 40 नहीं दोस्त 45 to 55 आपको सिखाया 40 पहले आता है, तो ऐसे तीन ही स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 45 टू 55 के बीच में है, तो ये बन गया अपना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. तो डेटा जो है रॉ फॉर्म में रहता है, जॉब कलेक्ट करते हैं उससे अपन डिसीजन ले सकते हैं क्या, नहीं. तो इस चैप्टर में उन्होंने दिया है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है और क्या कौन से टेक्निक आपको यूज करना है जिससे आप उसको एज ए इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, और बहुत ही आसान सिलेबस है, एकदम सिंपल है, मतलब मैंने एक बार बताया था आपको समझ में आया, इट्स वेरी इजी सिलेबस, इसलिए मैं स्टार्ट में ले रहा हूँ क्योंकि मैं एंड में लूंगा तो बोले हम घर पे करते हैं, वो आपको आपका स्कोप नहीं देना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल कोई घर पे नहीं कर सकता मेरे को पता है, इसलिए उल्टा करके धीरे मैंने पहले लिया है. सी मेन रीजन क्या है, आई गेट मोर टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स, दैट इज द मेन पर्पस. अगर ये मैं बाद में लेता हूँ एंड में तो फिर प्रेशर रहता है कि वो थ्योरी भी कवर करना है, बच्चों को भी लाइटली लेते हैं, फिर वो ध्यान से पढ़ते हैं नहीं, और उल्टा ये स्कोरिंग है, अपने उसको परफेक्ट करना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाए, इसलिए मैं पहले ले रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफएमक्यू में नोट्स रेडी है, मैं आपको दे दूंगा 8 दिन में, तो उसमें लास्ट 1-2 चैप्टर का काम चालू है, बट 8-9 चैप्टर तक मैं आ चुका हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है. सो बस ये है रॉ डेटा, ये क्या है रॉ डेटा, जिसको हमको क्या करना है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है. देखो there is saying data is a new oil, there is a saying over the last year with advent of increasing computer power and availability of data, the importance and application of data science has gone exponentially. The field of finance accounts has not remained untouched from this wave,
इनफैक्ट टू बिकम इफेक्टिव फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड एनालाइज एंड इवेल्यूट द डेटा. देखो मैं आपको बताता हूं, अभी एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कहां कहां पे डेटा यूज करना है. मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां कहां पे मेरे ऑफिस में डेटा यूज कर रहा हूं, करेक्ट ना. जैसे जब भी हम क्लाइंट का बैलेंस शीट फाइनेंस करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हम पीएनएल अकाउंट चेक करते हैं, ठीक है. तो इस साल का पीएनएल अकाउंट लास्ट ईयर के पीएनएल अकाउंट से हम कंपेयर करते हैं. अब उससे कंपेयर करके क्या होगा, ठीक है. तो इनकम टैक्स में ना जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग एंगल से स्क्रूटनी आ सकता है. हर एक चीज चेक करनी पड़ती है. जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30% था, इस बार एकदम 22% हो गया या एकदम 40% हो गया. ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं, बट एकदम कम हो तो प्रॉब्लम है. तो सडनली कौन सा खर्चा बढ़ गया ये मैं खुद कंपेयर करता हूँ. फिर क्लाइंट को क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर ये खर्चा कैसे बढ़ गया. मैंने लास्ट डीटी के क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया, अगर कोई याद है तो, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने एग्जाम्पल दिया था. क्या होता कि लास्ट ईयर का बिल 165 था या 365 कुछ भी था, एंड सडनली इस बार बिल 1,00,000 रुपए आ गया. तो 365 का बिल कितना आ गया, 1,00,000 रुपए आ गया. डायरेक्ट बिल कितने से कम हो गया, 2,65,000. हमारा प्रॉफिट रेशियो सब चेंज हो गया, प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि किस बिजनेस में कितना रिटर्न नहीं दिखा है तो स्क्रूटिनी नहीं आता है. जैसे हम सब प्रोफेशनल्स है, आप आगे जाकर प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो मिनिमम 30-40% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है. उससे कम दिखाएंगे तो चांस क्या होगा, स्क्रूटिनी आएगा. तो डिपार्टमेंट का कहना है कि भाई तुम तो सर्विस प्रोवाइडर हो, तुम्हारे खर्चा क्या है, नॉलेज. हाँ, मैन्युफैक्चर के लिए स्टॉक रहता है, इन्वेंटरी रहता है, दुनिया भर की चीजें रहती है, मशीन लगते हैं, ओवरहेड्स है, वेस्टेज है, लॉसेस है, तुम्हारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, है ना. आर्टिकल 10 आर्टिकल रहते हैं ऑफिस में और इतना बड़ा काम करते हैं, तो आपका प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होना चाहिए. डॉक्टर हो तुम, डॉक्टर को तो एक खाली रिसेप्शन लगती है, उसका प्रॉफिट 50% दिखाना पड़ता है, नहीं दिखा तो स्क्रूटिनी नहीं आ सकता है. तो ये चेक करके करना पड़ता है. तो ये आप दिया कि मतलब मैं जब रिटर्न फाइल करता हूं तो भी मेरे को फाइनेंशियल डेटा क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है. इवन एक्सपेंस टू एक्सपेंस कंपेयर करना पड़ता है. फिर हमने क्लाइंट को फोन किया कि सर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो क्लाइंट ने बोला कि सर पता नहीं कैसे डिफरेंस आ रहा है. मतलब तो उसने कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया, बट मेरे को समझ में आया कि कुछ तो झोल है, ये लाइट ऐसे सडनली कम नहीं हो सकता है. अच्छा आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला झोल, ये फॉरगेट अबाउट, ये सब्जेक्ट से अलग बता रहा. क्योंकि जब मैंने उसका प्रोडक्शन चेक किया, प्रोडक्शन क्वांटिटी सेम था. जब लाइट बिल कम होता है मतलब कंजम्पशन कम हुआ है, तो कंजम्पशन कम है तो प्रोडक्शन 5% तो कम होना चाहिए कि नहीं, प्रोडक्शन सेम लेवल पे है. अब उसको पता नहीं कि इनकम टैक्स बेवकूफ नहीं है, वो स्कूटनी भेजेगा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्शन से मैं लाइट कैसे सडनली कम हो गया. तो क्लाइंट को बताया कि सर आपने कुछ जो किया मेरे को नहीं पता, बट यू विल फेस दिस क्वेरी, तो आपको आंसर देना है क्योंकि आपने मेरे को नहीं बताया क्या प्रॉब्लम है. तो जब स्कूटनी नहीं आएगा आपको जाकर उनको बताना है, बिकॉज मेरे को पूछेंगे मैं आपको भेज दूंगा ऐसा होता है. तो ये है मतलब ये फाइनेंशियल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट में इसको कैसे यूज करना है. सी आप भी जब फैक्ट्री में जब जहां पे काम करेंगे आपके लिए मेन क्या हो, पूरा एक्सेल ही हो, एक्सेल पे ही पूरा डेटा रहता है, उसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है. जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे लेते हो डेटा के हिसाब से. 5 साल का पी रेशियो चेक करते हो, ईपीएस क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. मैं आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा आज, और एफएम में बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा. एक मनी कंट्रोल करके वेबसाइट आपको बताएगी, यस. तो उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी, प्रैक्टिकली और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ. आज भी दिखाऊंगा उसका यूज कैसे करना है. तो ये दिया है कि डेटा हर एक एरिया में लगता है, फिर अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो. बताओ कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहां पर डेटा लगता है क्या, लगता है ना. यस, एम्प्लॉय की कितनी उसने छुट्टियां ली है, उसका ग्रेचुटी कैलकुलेट करना है, कितने साल उसने काम किया है, हर एक चीज के लिए क्या लगता है, डेटा लगता है. तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहां पे डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, बस ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, वो डेटा राइट फॉर्म में होना जरूरी. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इस डेटा से कुछ भी समझ में आता है क्या, अगर ये पार्ट में रिमूव कर दे तो आप बोलेंगे क्या है सर, इतना तो समझ में आ रहा है कि 10 स्टूडेंट्स है किसी क्लास के और उनका वेट दिया आपने, इससे क्या आगे क्या, फुल स्टॉप. तो इसको अगर आप प्रोसेस करेंगे तो डेटा बनेगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि इतने एज में कितने लोग हैं या इतना वेट में कितने लोग हैं, तो ये मीनिंगफुल डेटा, अदरवाइज कोई यूज नहीं है. ओके, तो देखो, सो डेटा जो है, डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रोसेस टू गैदर रिक्वायर्ड नॉलेज.
तो डेटा को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया था, क्या क्या था एनालिसिस बताओ, कैसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका वेट कितना है 45 to 55, कितने स्टूडेंट निकले 3, बोलो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन, ये क्या है इंफॉर्मेशन, फिर इसका भी यूज कर सकते हैं आगे फर्दर स्केल है ना, फिर आगे कुछ जो भी करना है, मतलब मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल लिया है, आप ऐसे इसका यूज कर सकते हो। अगर ये कॉलेज है तो कॉलेज कैन टेक डिसीजन कि इनको फूड क्या प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट वैसे डिसाइड करता है ना कि कुपोषित बालक कौन है, ये अगर है तो वो क्या डेटा है, डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इनको बोलेंगे कुपोषित बालक, करंट उनको ये, हाँ ऐसे होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में वगैरह भी गवर्नमेंट स्कूल में भी खाना वगैरह दिया जाता है ना, तो वो सब उसके अलग से ये होता है, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। तो वो डेटा को किसमें कन्वर्ट करना है, नॉलेज में। तो डेटा को पहले कन्वर्ट किसके में करेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में। अभी आप बताएंगे इंफॉर्मेशन और नॉलेज में आपके हिसाब से क्या फर्क है। तो डेटा का मतलब ध्यान में रखना, डेटा का मतलब क्या है, रॉ डेटा है। हाँ बोलो, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जस्ट मिनट, मेरा बुक निकलता हूँ। हाँ बोलिए क्या था? ये वर्ड सुने हुए इसलिए तो पूछ रहा हूं। अच्छा अभी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, मैं आपको एक दो डायग्राम बना के देता हूं, आपको मेरे साथ लिखना है, फिर अपन डिस्कस करते, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये आपको पता है बट अपन ऐसे आंसर देने के हिसाब से नहीं सोचा कभी। तो आप थोड़ा लिख लो डेटा के बारे में, डायग्राम लिखना, पहला लिखो हेडिंग डेटा, इसमें काफी डायग्राम बना के दूंगा ताकि आपको थ्योरी पढ़ने बोर ना हो, मैक्सिमम चार्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। डेटा के दो पार्ट हम बना सकते हैं, एक कैटेगरिकल डेटा एंड दूसरा न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा कौन सा होता है न्यूमेरिकल डेटा। दो टाइप्स ऑफ डेटा रहते हैं, ऑनलाइन आप भी लिखना, एक होगा कैटेगरी वाइज, दूसरा होगा न्यूमेरिकल डेटा। जस्ट एक सेकंड आप लिखो, ऑनलाइन आवाज आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है साक्षी, बाकी सबको आकांक्षा ओके। इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ एसेसिंग द नॉलेज, ओके वेदांत। अच्छा कैटेगरी वाइज डेटा क्या हो सकता है आपको बताता हूं, जैसे इसके एग्जांपल अगर देना है तो पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, आई कलर हो सकता है, नहीं कैटेगरी वाइज कितने लोगों के आईज ब्लू है ना, कितने लोगों के आईज काले हैं, तो उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे कितने लोग इंडिया में, बट नहीं वो न्यूमेरिकल हो जाएगा। सो इंडिया में कितने पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके अलग अलग कैटेगरीज क्या है, तो इस तरह का जो डेटा है, या फिर कितने लोग इंडिया में मैरिड है, कितने लोग अनमैरिड है, कितने लोग बूढ़े हैं इंडिया में, करेक्ट ना। तो ये डेटा कौन सा हो गया, कैटेगरी वाइज डेटा हो गया। दूसरा जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसमें लिख लो एग्जांपल, न्यूमेरिकल डेटा में आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कि एवरेज इंडिया में लोगों को कितने बच्चे हैं, 2 है 4 है 11 है, करेक्ट ना। देन अच्छा अभी अपन ने जो लिखा था वेट हाइट, बोले ये कौन सा डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। मार्क्स कितने अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50, 40 नहीं बोलेंगे, 50 अज्यूम करके चलेंगे। हाँ तो ये दो तरह का डेटा होता है, एक कैटेगरी वाइज डेटा होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है। ये अब लिख लो, अगर एग्जाम में इसमें थ्योरी आता है तो क्या होता है, ये लिखना आपके लिए मुश्किल है, बट अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें क्या पता है बट ऐसा एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको जहां जहां पॉसिबल है आई गिव यू डायग्राम, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। लिख लिया, अभी डेटा को हम प्रोसेस करके किसमें लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन का क्या होता है नॉलेज। अभी थोड़ा लिखो इंफॉर्मेशन के बारे में, बनाओ सेकंड डायग्राम। इंफॉर्मेशन किस प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूं, फिर आप थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा।
कि किस तरह का इंफॉर्मेशन अपने को मिल सकता है। पहला इंफॉर्मेशन होता है कंसेप्चुअल, दूसरा इंफॉर्मेशन होता है प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन। मैं इसके एग्जांपल भी देता हूं, आप कहां पे इसको यूज करते हैं। तीसरा होता है पॉलिसी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी, देन डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। ऐसे बहुत सारे, बट जो जो आपने लिए इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूं। इंपेरिकल इंफॉर्मेशन भी होता है, ऐसे बहुत सारे, आप जितना सर्च करेंगे आपको डेटा मिलेगा। बट सो प्रोसीजर का मतलब क्या है, राइडिंग अ कार, कार राइड करते समय क्या क्या आपको फॉलो करना है, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन। अच्छा, पॉलिसी मतलब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, एक एम्प्लॉय हैंडबुक रहता है कि एम्प्लॉय के लिए क्या क्या पॉलिसीज है, रिपोर्टिंग कहां पे करना है, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी। तो लिखो एम्प्लॉय हैंडबुक, यह आपका है पॉलिसी इंफॉर्मेशन। अच्छा, डायरेक्टिव मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, किसी ग्रुप को गाइड करना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन। हम आपको एक सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं कि उसको किस तरह से पढ़ना है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन। इंपेरिकल इंफॉर्मेशन मतलब थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिसको ह्यूमन सेंस के हिसाब से कलेक्ट किया गया, उसको बोलते हैं इंपेरिकल डेटा। इंफॉर्मेशन गेन थ्रू ह्यूमन सेंस, उसको बोलते हैं इंपेरिकल डेटा या इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अभी आपको घर पे जाके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, एंड ये ग्रेविटी भी नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है बस आपको इजी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको अगर नोट आता है, ये नोट आएगा क्वेश्चन, राइट नोट ऑन डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, तो पता होता है बट लिखना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिए कि डेटा के दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी वाइज है न्यूमेरिकल, इंफॉर्मेशन के कितने टाइप्स है, ऐसे और बहुत सारे हैं, बस जो चार पांच मेरे को लगा कि अपने सिलेबस से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं। तो डेटा कैन बी कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल, प्रोसेस मतलब टू व्हीलर कैसे चलाना है, बाइक कैसे चलाना है, कार कैसे चलाना है, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, करेक्ट ना। पॉलिसी मतलब मैंने बता दें एम्प्लॉय हैंडबुक, जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे हर एक एम्प्लॉय को क्या काम करना है डिफाइन रहता है, उसका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, इसका एक पॉलिसी रहता है, उसमें सब लिखा रहता है कि आपका ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होगा, हर एक चीज रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज में कवर रहेगी, बराबर है, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब जो पढ़ा रहा हूं मैं कोचिंग, एंड इंप्लॉयमेंट मतलब थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, पता ना थ्योरी ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्या होता है बोलो, अगर सपोज उसको मैंने यहां से धक्का दिया क्या होगा, नीचे गिरेगी, बस वही थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ऊपर जाएगी क्या, फैन पे जाके बैठ जाएगी क्या, नहीं वो नीचे गिरने वाला, बस वही है। अभी आइए नोट्स में, ऑनलाइन आपका लिख के होगा दोनों डायग्राम, ऑनलाइन हो गया वेदांत, जरा फाइल इसी चालू है ना, जरा फाइल लगाओ, ये पहला जो स्विच है ना फाइल के बाजू फर्स्ट, हाँ ठीक लिखे हो गया क्या, ओके आइए अभी पढ़ते हैं। सो डेटा, अभी आप बताइए डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको फर्क क्या लगता है, मैंने आपको दोनों के डायग्राम बना के दिए, एंड फिर अपन आएंगे नॉलेज का मतलब क्या है, बोलो। What is meaning of knowledge? अच्छा, मैं जो आपको दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन का कौन सा कैटेगरी, डायरेक्टिव मतलब कि मैं आपको एक ग्रुप को कोच कर रहा हूं, कोचिंग कर रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, तो नॉलेज क्या, आप यहां पे किस पर्पस पे आया है, यस, नॉलेज का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में लिखो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है।
तो अच्छा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं सुनो, मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं, कोई जीएसटी पढ़ा रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसके बुक्स मार्केट में है कि नहीं बोलूं? है, तो इंफॉर्मेशन मार्केट में है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, बट आप क्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि सेल्फ स्टडी करके समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्लास लगा करके आपको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉलेज? द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। जैसे अपने डायरेक्ट टेस्ट पढ़ चुके हैं, जीएसटी पेपर पढ़ेंगे थोड़े दिनों में, उसमें आपको समझना है कि कैसे डीपीजीएसटी काम करता है, तो वो क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। एफएम पढ़ना है आपको बस, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? इट्स अ रॉ डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क लगता है आपको? क्या लगता है डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है? सी डेटा इज अ व्हाट यू कैन से, डेटा मीन्स इट्स अ मीनिंगलेस नंबर्स। डेटा का मतलब क्या है? रॉ डेटा है, उसको कोई मीनिंग नहीं, तो इट्स अ मीनिंगलेस नंबर बोल सकते हैं, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं रॉ डेटा को। तो इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्या आप नाम दोगे? हाँ, स्पेसिफिक क्या इंफॉर्मेशन? स्पेसिफिक डेटा इज इंफॉर्मेशन। ओके ठीक है, स्पेसिफिक डेटा इज इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, ये लिखना नहीं, जस्ट समझने के लिए। एज 16, ये एज है, मैंने आपको एज के हिसाब से इनकम दिया, एक जनरल डेटा है, मतलब जैसे एग्जांपल है कि जिनका एवरेज 16 है वो ऑन एन एवरेज 4000 रुपीस अर्न करते हैं, बराबर है? तो ये इसको क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे या इंफॉर्मेशन बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या होगा? हाँ, ये जस्ट नंबर है, इससे कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, मतलब इसका कुछ हम डिसीजन नहीं ले रहे, इतना ही पता चल रहा है कि इतने जो वाले लोगों का इतना है, तो ये अपन ने डेटा कलेक्ट किया है, बट इसका यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोसेस करके। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना मतलब क्या, प्रोसेस करना मतलब क्या, आपको उसमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे कि आपको एग्जैक्टली उसमें से क्या चाहिए, है ना? गवर्नमेंट क्या ढूंढना चाहती है, मतलब कितने लोग 27 के नीचे अंतर रहे हैं, कितने लोग 27 के ऊपर अंतर रहे, ये हो गया इंफॉर्मेशन। एंड उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, एंड वो इंफॉर्मेशन मिलेगा तो नॉलेज आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, एंड उस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, करेक्ट ना? सो दैट इज जो लास्ट वर्ड है नॉलेज, उसका मेन पर्पज वही है टू टेक डिसीजन। तो अपना टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन। तो उन्होंने वही बोला कि बिजनेस डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तीन पूरा चैप्टर इन तीन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है कि क्या क्या टेक्निक आपको दी है, कि डेटा कंपनी में प्रोसेस कैसे होता है, वो सब दिया है। ठीक, अभी यहां पे दिया है, देखो अभी देखो ये जो नंबर से आप देखो 2468, उससे कुछ भी सिग्निफिकेंस आ रहा है क्या? नहीं। अमूल नेस्ले आईटीसी कुछ भी सिग्निफिकेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। 36, 37, 38, 35, 36 कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ये रॉ डेटा है। क्या ये रॉ डेटा? अभी मैं यहां पे लिखता हूं ब्रैकेट में, क्या डाउट है? मैं बोला मैं फॉरेनर को कब से पढ़ाने, मैं एक मिनट के लिए खुश हूं, हम फॉरेनर को 10 गुना फीस चार्ज करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दो। अभी ये रॉ डेटा था अमूल नेस्ले आईटीसी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एफएमसीजी। अच्छा, एफएमसीजी का लॉन्ग फॉर्म पहले बताता हूं,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये अपने को एफएम में बहुत लगने वाले, मतलब एग्जांपल के लिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अभी कुछ मीनिंग आ रहा है? हाँ, अभी आप बोल सकते हैं हाँ ये ऐसे कंपनी से जिन्हों कहां पे एफएमसीजी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हो गया इंफॉर्मेशन। पहले मैंने आपको पहले तीन कंपनी के नाम दिए, जैसे टाटा मोटर्स दिया आपको, देन मारुति दिया, देन बीएमडब्ल्यू दिया। आप बोलेंगे इससे क्या, इफ आई राइट इन टू ब्रैकेट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब क्या है ये तीनों कंपनी कहां पे है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। अच्छा, ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, मैं अभी बात करता हूँ एफएमसीजी। अगर मेरे को किसी एफएमसीजी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस इंफॉर्मेशन को मैं नॉलेज कैसे बनाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि एवरेज कंपनी के रिटर्न्स कितने हैं सिमिलर इंडस्ट्री। ये सभी कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी मतलब खाते ना वेफर्स वगैरह, है ना शैम्पू वगैरह, शैम्पू खाते नहीं यूज करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ तो ब्रश यूज करते हैं अपन, जो डे टू लाइफ की चीज है ना उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका कंजम्पशन बहुत फास्ट होता है। बिस्किट खाते हैं, खाते हैं बिस्किट सभी कुछ, तो ये आता है एफएमसीजी में। तो अभी मैंने आपको बोला कि एफएमसीजी का डेटा मतलब क्या है, ये ऐसे एक ही इंडस्ट्री के तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या चेक करोगे, ये जो इंडस्ट्री है इसका एवरेज रिटर्न कितना है, कंपनी का रिटर्न कितना है। अगर इंडस्ट्री का रिटर्न 20% है एंड कंपनी ऑलरेडी 25% रिटर्न दे रही है तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलना पॉसिबल नहीं। लेकिन इंडस्ट्री का रिटर्न 20 है, कंपनी 12% रिटर्न दे रही है तो अभी भी 8% ग्रो करने के लिए क्या है, स्कोप है। तो ये होता है नॉलेज का पार्ट। सो पहले डेटा लिया, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया एंड फॉर टेकिंग डिसीजन मैंने उसको यूज किया, दैट बिकम्स नॉलेज। तो ये जैसे मैं डेटा को फिल्टर करूंगा जो रिक्वायर्ड चीजें अपने को मिलती जाएगी। देखो ये वही दिया है, यहां पे वही दिया कि डेटा जो दिया है वो जस्ट दिया है, उसमें कुछ समझता नहीं है, जस्ट दिया है। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन, एज वी डिस्कस डेटा नीड टू बी प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, अपने दो तीन टेबल बनाए कि जिनका वेट 45 to 55 कितने लोग हैं, है ना। मोस्ट कॉमनली वी टेक हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर द प्रोसेसिंग द डेटा। अच्छा, आप कोई बता सकते हैं क्या कि आप कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्या डेटा प्रोसेस करने के लिए? अच्छा, गूगल क्या करता है, आप गूगल पे सर्च करते हैं ना कि बेस्ट स्मार्टफोन, है ना, विद इन 40,000 rupees, अब सर्च करते हैं कि नहीं आता है कि नहीं आता है। तो गूगल क्या करके दे रहा है डेटा, पहले उसका रॉ डेटा है क्या है कि कौन से फोन है, फिर उसके बाद क्या है कस्टमर का फीडबैक है कि ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बाद उसका रेटिंग होता है एंड उसके हिसाब से आपको बताते कि हाँ ये 10-10 जो फोन है ये 10 फोन 40,000 के अंदर क्या है। यूट्यूब पे आपको मिलता है, आप सर्च करना बेस्ट फोन अंडर 50,000, 10,000, 1 lakh, 1 crore, जो भी आपको लेना है आपको पूरा डेटा आ जाता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट गूगल क्या करता है आपको दिखता नहीं, भी फोकस ओनली ऑन डेटा। तो कंपनी में ऐसे सॉफ्टवेयर बना के लिए जाते हैं या रेडीमेड भी लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको डेटा एनालिसिस करके दिया जाता है, डेटा एनालिसिस करके दिया जाता है। जैसे टाटा टी कंपनी जो चाय बनाती है, अभी इंडिया में आप जाएंगे ना हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार की चाय सेल होती है, तो उनको ये डेटा चाहिए कि अपना चाय कहाँ पे सेल हो रहा है, कहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके जो सॉफ्टवेयर से उनको पता चलता है कि कौन से सेगमेंट में अच्छा काम नहीं कर रहे, कहाँ पे अच्छा काम कर रहे, अकॉर्डिंगली वो मार्केटिंग करते हैं। आप कभी अगर केरला स्टेट में गए तो वहां पे नारियल पानी बहुत ज्यादा मिलता है, बट अपने यहाँ पे इतना नहीं चलता, मतलब पीते, बट जितना केरला में चलता उतना अपने यहाँ पे। हाँ, तो ये उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज। An exponential growth in availability of computing power software package led to growth of data science. तो उन्होंने कहा कि डेटा का इंपोर्टेंस क्यों बढ़ा है, कि ऑनलाइन इतना डेटा फास्ट प्रोसेस होता है कि अपने को फटाफट समझ में आता है एंड इसलिए उसका यूज ज्यादा है, ठीक है। अभी देखो अच्छा, अभी सपोज ये जो डेटा है इसको मैं बोलता हूं कि ये टेम्परेचर है, अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो भी बोल सकते हैं सर, मतलब ये अलग अलग दिन का क्या है टेम्परेचर है, इससे मैं ढूंढ सकता हूँ क्या कौन से दिन सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा, कौन से दिन सबसे लोएस्ट। तो रॉ डेटा को अपने को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, फिर वो क्या बनता है इंफॉर्मेशन। तो द मोमेंट आई प्रोसेस इट इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बस उतना ही दिया, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है।
सेकंड पेज पे दिया है इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया है, हाईलाइट करो अगर आपको नोट्स मिल गए तो। इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, डेटा प्लस कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या बोलो, मतलब ये डेटा किस पर्पज से दिया है, इसका पर्पज क्या है। देखो यहां पर मैंने एफएमसीजी लिखा ना, अगर मैं एफएमसीजी नहीं लिखता हूं तो ये रॉ डेटा है, एंड द मोमेंट आई राइट एफएमसीजी क्या हो रहा है, अपने को समझ में आ गया कि हाँ ये एफएमसीजी की सभी कंपनीज का इंफॉर्मेशन दिया है। ये टेम्परेचर ब्रैकेट मैंने टेम्परेचर लिखा तो क्या पता चलेगा, ये टेम्परेचर दिया है। मैं अगर यहां पे एज लिखता हूं तो क्या पता चलेगा, ये लोगों का एज दिया है। इफ आई राइट हियर वेट तो क्या पता चलेगा कि ये वेट है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब जब रॉ डेटा है, जैसे मैं आपको 10 5 20 15 25 बताता बोलेंगे क्या है सर, मैं बोलता हूं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स है तो बोलेंगे बेचारा फेल हो गया। तो जब तक मैं मार्क्स नहीं बताता हूं तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या पर्पज है, उसको बोलते कॉन्टेक्स्ट। तो डेटा में क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब उसका किस पर्पज से डेटा कलेक्ट किया गया है। जैसे काफी ऐसा होता है कि आप मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, तो बोलता कि भाई तुम मेरे को एग्जैक्टली बता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस एंगल से है। काफी बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, जब आप जीएसटी से पढ़ोगे तो काफी चीजें कॉमन है, कॉमन मतलब ये डीटी में प्रोविजन थोड़ा अलग है, जीएसटी में अलग है। तो सर स्टूडेंट मेरे को डाउट पूछता है तो मेरे को पूछना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट से डाउट पूछता है, यू वांट आंसर फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स पॉइंट और जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे को उनको बताना पड़ता है। क्योंकि दोनों अभी अपने जीएसटी नहीं पढ़े, प्रॉब्लम हो गई अपने फेस, बट द मोमेंट आई स्टार्ट जीएसटी आप बोलेंगे सर इनकम टैक्स पे तो आपने ऐसे बताया था, अकाउंट में तो हमको मैडम ने ऐसा बोला है, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत बार बोला कि हर एक एक्ट अलग अलग तरह से काम करता है, एंड हर एक एक्ट में एक अलग अलग आइडेंटिटी है, तो उसको कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या बताओ, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किस पर्पज के लिए। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा ना टेम्परेचर, वो क्या था समझ में आ गया, एज वेट जो भी है। ठीक है, एंड व्हाट इज नॉलेज, व्हेन दिस इंफॉर्मेशन यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। अच्छा बताता हूं, अभी जो लास्ट एग्जाम्पल है ये क्या है जरा बताओ, सब लोग आंसर देंगे तो मजा आएगा, ये क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता फॉर लास्ट 4 डेज, कितना था 35-36 जो भी XYZ। अब इसका यूज कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट चाहते हैं कि टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर क्या हो, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो क्या हो, पोल्यूशन कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, कि सभी लोग एसी लगा के बैठते हैं तो एसी अंदर अच्छा लगता है, बाहर इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, तो ग्लोबल वार्मिंग कम करना है। तो ये टेम्परेचर कम कैसे किया जाएगा है ना, तो ये क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जब हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। मैंने नॉलेज का आपको मीनिंग लिख के दिया है, क्या मीनिंग है नॉलेज का, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो आप जो अभी एफएम जो पढ़ोगे, ये जो डेटा एनालिसिस पढ़ोगे, आप भी आपके कंपनी में क्या करोगे, यूज करोगे। जब भी आपके सामने कोई रॉ डेटा आएगा, जैसे आप ऑडिट करने जाओगे, तो ऑडिट करने जाएंगे तो पहले आपका पूरा डेटा रहेगा, आप उसको क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि कहां कौन से एरिया में ऑडिट करना है। सी आप पूरे साल का एक एक ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते, मैं कोई नहीं कर सकता, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको ऑडिट कोई नहीं कर सकता पूरा एक एक का, है ना, क्योंकि पूरा ऑडिट हो सकता है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, जो एवरीडे चलता है, बट उतना कंपनी का कैपेसिटी रहने पैसा पे करने का, है ना। क्लाइंट बोलता है इसने हमको एवरीडे ऑडिट नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। तो ऑडिट में जाते समय मेरे को डिसीजन लेने पड़ते कि कौन से एरिया में चेक करना है, हम स्टाफ को बोल के बेचते हैं तो 8 एरिया चेक कर, कुछ एरिया में कुछ चेक करता हूँ कि जहां पे गड़बड़ी बहुत होती है, जो स्टाफ के लिए कैच करना पॉसिबल नहीं है वो डेटा में चेक करता हूँ, फाइनलाइजेशन में खुद करता हूँ। मेरे को पता है कि इसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ स्टूडेंट जो आता है वो पढ़ने के लिए आता है, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं कि वो कंप्लायंस तक लेके जाए। जब मैंने भी आर्टिफिशियल किया था, मैंने भी बेसिक वर्क ही किया था, क्योंकि उस समय अब तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं, पर जैसे 2-3 साल मैंने काम किया फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अभी अपन, तो मैं आने के बाद 3 साल के बाद मैंने पहला रिटर्न फाइल किया है पास होने के बाद, 3 साल मैंने 3 साल 2 साल तो जॉब ही किया है, बाद में 1 साल प्रैक्टिस किया तो मैं पूरा सीख लिया वापिस बैठ के, फिर जब मेरे को कॉन्फिडेंस है अंदर से ऑनेस्टली कि अब आप ही अपन काम इंडिविजुअली कर सकते हैं, फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वही दिया है, क्या दिया था इसमें,
डेटा नीड टू बी प्रोसेस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली सॉरी सर इधर में वेन दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नॉलेज राइट ना. तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको बोला जाएगा कि आपने फैक्ट्री से सीमेंट चोरी हो रहा है तो तुम इन्वेस्टिगेट करो कि सीमेंट चोरी कैसे हो रहा है. क्या करो तुम इन्वेस्टिगेट करो सीमेंट चोरी कैसे हो रहा है. इन्वेस्टिगेशन भी अपना पार्ट है. ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क क्या आपको बता देता हूं क्योंकि अभी आप ऑडिट पढ़ने वाले हो. ऑडिट ये जनरलाइज होता है मैं पूरा कंपनी का बैलेंस शीट कैश फ्लो फंड फ्लो पूरा चेक करता हूं पूरा मतलब सैम्पलिंग बेसिस पे. इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर एरिया में होता है तो ये भी आगे जाके आपको काम करना है. कंपनी बोलती है कि सर ऐसा ऐसा झोल हुआ है या आप एक बार चेक करो उसका इन्वेस्टिगेशन करो. तो अभी आप मेरे को बताइए एज्यूम करो कि आपको कंपनी ने टास्क दिया है तो ऑडिटर तो है वो तो करना ही है बट हमको लगता है कि हमारे कंपनी से क्या हो रहा है सीमेंट चोरी हो रहा है. चोरी का मतलब क्या है हम यहां से साइट पे भेजते हैं जितना काम होना चाहिए जितना बिल्डिंग बनना चाहिए उतना बिल्डिंग नहीं बन रहा है. विद एक्स क्वांटिटी 3 फ्लोर होने चाहिए हमारे 2.5 फ्लोर ही हो रहे हैं. मतलब सीमेंट क्या हो रहा है चोरी हो रहा है. ये मैंने खुद मेरे क्लाइंट का किया था सेम इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं. तो आप बताइए कि आप कैसे करोगे क्योंकि हमने भी फर्स्ट टाइम काम किया तो हमने भी प्लान बना था कि भाई इसको अभी कैसे चेक करेंगे. तो बताइए आप क्या करेंगे बताओ. चलो मैं आपका क्लाइंट हूं मैंने कहा कि सर मेरे फैक्ट्री में ना सीमेंट चोरी हो रहा है. ओके तो आप बताइए ना क्या करेंगे गेस तो करो कैसे आप स्टार्ट करोगे. पहले मेरे से बहुत समझेंगे इसे एग्जैक्टली चोरी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है. तो आप पहले रॉ डेटा क्या करोगे कलेक्ट करोगे कि कितना सीमेंट आता है कितना इशू होता है. फिर आप बोलेंगे सर व्हाट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब 100 केजी सीमेंट में कितना बिल्डिंग बनना चाहिए. अभी मैं इंजीनियर नहीं हूं सही के नहीं तो मेरे को नहीं समझता बड़ा मेरे को रेशियो बताओ तो भी मैं चेक कर सकता हूं क्योंकि ये किसको समझता है बोलो इंजीनियर को है ना. आपने थोड़ी समझता है कि 100 केजी सीमेंट में कितना बिल्डिंग खड़ा होता है वी डोंट नो. तो आप भी क्या करोगे पहले पूरा रॉ डेटा कलेक्ट करोगे कि नहीं सीमेंट परचेस कितना किया है ना उसके बाद सप्लाई कितना हुआ है वेस्टेज कितना होता है और क्या चेक करोगे बताओ. इनपुट आउटपुट रेशियो चेक करोगे. ये पूरा क्या है पहले रॉ डेटा है पूरा क्या है रॉ डेटा है. फिर आप बोलेंगे सर हमको हमारा अकाउंटिंग सिस्टम देखना है कि आप उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो एंड देन यू विल अप्लाई योर माइंड कि उसको कैसे रोकना है. फिर आप क्या करोगे उसको कैसे रोकना है आप ये करोगे. मतलब क्लाइंट ने तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे तो वहां पे ट्रक आया हुआ दिखता था गया हुआ दिखता था बट क्वांटिटी गायब होता था. मतलब ये भी क्लाइंट ने किया था कि साइड पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था कि ट्रक निकलने का वहां पे एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद नंबर इतने कैमरा लगाए थे फिर भी चोरी हो रहा था. तो ऐसा है तो ये तो आप जो कलेक्ट करोगे पहले रॉ डेटा होगा फिर दूसरा इंफॉर्मेशन होगा एंड फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा नॉलेज होगा बस इतना ही है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ नेसेसरी एक्शन लेगी एंड यस एंड डिसाइड करेगी क्या करना है. आपको एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे चारों कंपनीज को कंपेयर करोगे एंड डिसाइड करोगे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है. ठीक है तो ये हो गया नॉलेज. तो नॉलेज का मतलब क्या देखो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्या है सेम है थोड़ा फर्क है. इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं नॉलेज. एग्जाम्पल लेता हूं एकदम परफेक्ट समझ में आएगा. आपने कोई भी एक्सवाइजेड सब्जेक्ट पढ़ लिया कोई भी क्लास में पढ़ लिया ऐसा होता है कि नहीं सर एग्जाम में लिख नहीं पाए एग्जाम में लिख नहीं पाए आपने क्वेश्चंस कवर किए थे बट हम एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाए. तो मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन था क्या इंफॉर्मेशन था प्रोविजन सब याद थे कहां पे हम फंस गए एप्लीकेशन नहीं कर पाए बस. तो एप्लीकेशन का मतलब है जो भी नॉलेज अपने लिया उसको प्रैक्टिकली यूज करना है उसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इट उसको बोलते हैं नॉलेज. तो आप जब ऑडिट करते तो क्या करते अपन अपने जो सीखा है क्लास में उसको अपन क्या करते सब अप्लाई करते हैं. तो जब आप आरटीपीसी पर भी करोगे तो आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ऑडिट में क्या क्या करना है क्या चेक करना है. पहले आपको ऑफिस में ट्रेनिंग दिया जाएगा एक्सेल कैसे यूज होता है टैली कैसे देखना है ना. कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है हमारे एक दो क्लाइंट है वो टैली यूज ही नहीं करते उनको उन्होंने अलग से सॉफ्टवेयर बना के लिया है. तो 2 दिन बैठ के मेरे को पहले सॉफ्टवेयर समझना पड़ा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है क्योंकि मैंने टैली यूज किया है सॉफ्टवेयर उन्होंने कस्टमाइज बना के लिया है तो आई डोंट नो हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर. तो 2 दिन में उनके ऑफिस में बैठ के बस 2 दिन देख रहा था कि कहां से कहां पे एंट्री जा रहा है. फिर मेरे को समझने में 8 दिन गए फिर मैंने स्टाफ को समझाया एंड फिर जाके हमने काम दिया
ऐसा है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब जो नॉलेज उसको क्या करना है अपने को इंप्लीमेंट करना है, एंड ये दोनों मिला के क्या होगा। हाँ दोस्त, तो इसका मतलब क्या है कि आपने खाली क्लास लगा के फायदा नहीं है, उसको घर पे क्या करना है, यूज भी करना है। ठीक है ना, अब ऊपर आते हैं नेचर ऑफ डेटा। नाउ जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये है मनी कंट्रोल का वेबसाइट, सब लोग ध्यान से देखना, ये अपन बार बार देखेंगे एफएम में। ओके नाउ ये वेबसाइट दिख रहा है, आप घर पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अभी देखो यहां पे मार्केट में मैं गया एंड फिर मैंने क्लिक किया ऑल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, भाई किधर गया ये, एक्स आ रहा है। अभी बताइए ये, अच्छा आपको मैं कंपनी का निकाल के देता हूँ, वो आपके लिए इजी होगा। लेट्स से अपन टाटा मोटर्स का लेते हैं। एक सेकंड, एक बार बार तक ये आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा है। मैंने क्या किया, आपको मनी कंट्रोल में जाना है, मैंने टाटा मोटर्स क्या किया दिख रहा है आपको। हाँ मतलब जस्ट अभी एग्जैक्टली इतना दूर दिखता है, आई डोंट नो, चेक करना। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ना ओवरव्यू, पहले ओवरव्यू में दिया है कि आज शेयर का प्राइस ओपन कितना हुआ, प्रीवियस क्लोज क्या था, वॉल्यूम मतलब एक दिन में कितने टोटल शेयर का ट्रेडिंग हुआ है, कितने वैल्यू का हुआ है, ये सब दिया है। बीटा फैक्टर का मैं आपको बताऊंगा, बीटा में रिस्क रहता है वो अपन पढ़ने वाले फिर में। आज का हाई कितना था, लो था, 52 वीक का हाई कितना था और 52 वीक का लो कितना था। तो अगर आप लास्ट टू डेटा देखेंगे तो एक साल में लोएस्ट कितना था 375 और हाईएस्ट कितना गया 665। ये जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है। अभी देखो ये जो डेटा है ये कौन से फॉर्म में है, चार्ट फॉर्म में डेटा है। तो ऐसे डेटा के अलग अलग टाइप्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मनी कंट्रोल पे गए तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है। ये कौन सा फॉर्मेट है, अभी ये कैसे देखना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे डेट आता है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 27 दिसंबर डेट आ रहा है कि नहीं, तो उस दिन का आपको यहाँ पे प्राइस दिखता है। एट में देखो दिख रहा है 432। तो जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको पता चलता है कि आज का प्राइस कितना है, कितना प्राइस आज का, जो भी मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस डेट पे कितना प्राइस है 621। तो ये चार्ट फॉर्म में डेटा है, कौन से फॉर्म में, हाँ ऊपर अगर आप क्लिक करते देख रहे हैं वन मंथ, ये वन मंथ का है। अगर थ्री मंथ का आपको देखना है तो ये चार्ट क्या रहता है कि जिनको ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना है, काफी लोग फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करते तो वो लोग चार्ट फॉलो करते हैं। तो ये मैं आपको जहां जहां पे रिक्वायर्ड है स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं सिखाऊंगा, बट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना वो सिखाऊंगा कि इसको कैसे अपन यूज करने वाले हैं, मतलब अपन जो रेशियोज निकालेंगे क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कहते हैं अभी आपको एक दिखा दो, ये कहें उसके बाद, हाँ ये भी शायद आपने देखा रहेगा। तो ये अलग अलग तरह के एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा जो मैं आपको पढ़ाने वाला, उसके बाद एक सेकंड में ये आ गया मेन डेटा। देखो ये दिख रहा है कुछ आपको, ये है कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दिख रहा है आपको। ये क्या दिख रहा है, रेवेन्यू, इसको क्या बोलते हैं आपने पढ़ा है बार डायग्राम, तो पढ़ा रहेगा ना स्टैटिस्टिक्स में। तो ये डायग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, चार्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। ये उनका इनकम स्टेटमेंट है, कितने साल का इनकम स्टेटमेंट है, ये दिया क्वार्टर वाइज उन्होंने दिया है, उसके बाद में उनका बैलेंस शीट दिया है, कैश फ्लो दिया है एंड रेशो दिया है। तो ये कैश फ्लो रेशो अपने को सिलेबस में है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जितने जितने सिलेबस में, मोस्टली 80-90% जो है। ये रेशो अपन ईपीएस क्या होता है, डायल्यूटेड ईपीएस क्या होता है,
इस सब अपन पढ़ने वाले। देखो ये डेटा अलग अलग फॉर्म में दिया, इस चार्ट को क्या बोलते हैं? ये पाई चार्ट बोलते हैं क्या? वो क्या है? कोई देखिए डेटा अलग अलग फॉर्म में आपको मैं दिखा कि कैसे कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये देखो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो ठीक है। आइए अभी अपन सिलेबस में आते हैं कि अपने को क्या एग्जैक्टली दिया है। देखो पहला जो डेटा दिया है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। व्हाट इज न्यूमेरिकल डेटा? बोल अभी जो मैं दिखा वो न्यूमेरिकल था कि देखो ऐसा कुछ था क्या? था ना कि कंपनी का हाई प्राइस कितना था, लो प्राइस कितना था, एक एक साल पहले कितना था, वो पूरा अभी जो मैंने दिखाया वो कौन सा डेटा था? बोलो न्यूमेरिकल डेटा था। व्हाट इज न्यूमेरिकल डेटा? जहां पे सभी चीजें दिख रहा है आपको नंबर पे दिख रहे हैं, सभी क्या है? नंबर्स पे है। सभी चीजें क्या है? नंबर्स पे। ईपीएस कितना है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। बहुत सिंपल इतना ही है। अच्छा इसका यूज क्या होता है? तो देखो स्टॉक प्राइस ये एचयूएल का दिया है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि स्टॉक के प्राइसेस में 8 दिन में चेंजेस क्या हुआ है। अच्छा इसका यूज क्या बताओ ना? डेटा व्हाई वी डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा का फायदा क्या? डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई भी डेटा उसका यूज क्या है? आप प्रेजेंट उसको अलग अलग स्टाइल में करो। कोई शेयर मार्केट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपको पता है शेयर मार्केट में ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर फेसबुक के लिए ऐड आते हैं। वो सॉफ्टवेयर आपको बताता है ऑटोमेटिक कि इस कंपनी का प्राइस कितना होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको उस पर ट्रेडिंग करना है। सॉफ्टवेयर ही बताता है, डेटा प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन देता है एंड फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। तो ये इंफॉर्मेशन पे मैं डिसीजन लूंगा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा है पहला। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा। अच्छा मेरे जो नोट से बोलो किस तरह का डेटा है? डिस्क्रिप्टिव, जहां पे इंफॉर्मेशन थ्योरी फॉर्म में दिया जाता है ना। समटाइम इंफॉर्मेशन में भी गिवन इन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को दिया है। एक सेकंड इसमें ये अपन ने पढ़ लिया ना, ठीक है। देखो ओवर द टाइम द मैग्नीट्यूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एज एक्सपोनेंशियली ग्रोन ओवर द ईयर। हाउएवर द डेटा सेट में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहला कौन सा डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा जो नंबर्स में दिया जाता है। दूसरा डेटा कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव। अच्छा डिस्क्रिप्टिव डेटा मतलब क्या दिखाता हूं? ध्यान देना सब लोग, दिखाता हूं आपको। ये आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ये क्या लिखा है कोई पढ़ सकता है? अबाउट द कंपनी। तो टाटा मोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, उसका रजिस्टर ऑफिस कहां पे, उसका मैनेजमेंट में कौन कौन है, करेक्ट ना? बीएससी का भी इंक्लूड है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है क्योंकि जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आपने देखा है? पता है आपको फंडामेंटल एनालिसिस मतलब पता है कैसे? सुना है कि नहीं? क्या फर्स्ट टाइम सुन रहा है? ठीक है। तो उसके लिए डेटा बहुत यूज किया जाता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है, किसी डायरेक्टर के केस तो नहीं चल रहा है ना, ये हर चीज चेक की जाती है। क्योंकि एक कंपनी थी अगर आपको याद है तो सत्यम कंप्यूटर्स 2007 में बहुत अच्छी कंपनी थी, कंप्यूटर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। उनके जो ये है आई थिंक बाला समथिंग ओनर थी, फाइव नॉट रॉन्ग नाम ऐसा कुछ तो था। उनके बैलेंस शीट में कैश दिख रहा था 5,000 करोड़ रुपीज एंड जब एक्चुअली चेक किया तो उतना कैश था नहीं। और फिर जो फ्रॉड निकला वो मेरे को बताया उसका शेयर बेबी उस समय स्टूडेंट था 432 का 14 रुपए का आ गया था। आप चेक करना गूगल पे सत्यम शेयर प्राइस इन 2005, 2006 एंड 2007 आपको मिल जाएगा 14 रुपए। ट्रेडिंग गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि कंपनी अच्छी थी बट फ्रॉड कहां पे हुआ? मैनेजमेंट के इंटेंशन गलत थे, कंपनी खत्म हो गया। तो इसके लिए और भी देखो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा, जहां पे इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव फॉर्म में दी जाती है। तो ये देता है कि कंपनी कब बनी, कंपनी का एड्रेस कौन सा, रजिस्टर एड्रेस सब दिया, ईमेल आईडी क्या है, है ना, सब डायरेक्टर कौन है, सेंसेक्स कौन है, सब दिया, कब इंटरेस्ट हुआ, सब कुछ दिया। इसको कौन सा डेटा बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बोलो? हाँ, मैंने आपको क्यों बोला क्योंकि आपको लगता है सर ओनली नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, इसमें दिखा कि नंबर खाली नहीं है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सत्यम पिछले आपको एग्जाम्पल दिया कि सत्यम में कंपनी मस्त थी, गड़बड़ काफी हुई, जो टॉप मैनेजमेंट था उन्होंने एक बंदे ने झोल कर दिया, कंपनी खत्म, लाखों लोगों के जॉब गए, करेक्ट ना? बट ऐसा होता है, बट देयर आर सर्टेन गुड कंपनी लाइक इंफोसिस। मैं आपको ये एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे सत्यम में घोटाला हुआ ना, इंफोसिस ने इमीडिएटली खुद का ऑडिट उस तरह से करके लिया कि आपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कि क्या दिख रहा है वो है नहीं,
दे डिड दिस ऑडिट फॉर द इन्वेस्टर एंड इट वाज द इन्वेस्टर का गेन, मतलब ट्रस्ट गेन करना. उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं था बोलूंगा कि नहीं ये इस कंपनी के साथ हुआ है, लेट मी चेक कि आपने कंपनी का ऐसा कुछ है नहीं. उन्होंने खुद ऑडिट करवाया एंड दैट्स व्हाई इंफोसिस इतना बड़ा कंपनी. लोगों का विश्वास क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट को इतना अच्छा नाराज होते हैं. उन्होंने कहा कि भाई आपने सब नहीं होना चाहिए, एक बार वापस चेक कर लो. ही डिड इट अगेन एंटर ऑडिट ओनली फॉर दैट पर्पस. और इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाला है, मेरा एक शेयर का चैनल है शेयर करके, उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है कि उन्होंने खुद करके लिया. मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का मैं वीडियो बनाया है, तो उस पर मैंने दिखा है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों नेसेसरी है. तो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि कहाँ पे होता है. मैंने वहां पर यही बताया कि यहाँ पे आपको जानकर लेना जरूरी. लोग बोलते क्या करना है कंपनी का फॉर्म, दैट इज ओके, बट वो मैनेजमेंट को उन्हें देखना पड़ता है, उनके अगर केस चल रहा है तो ऐसा है. एनीवे, तो डेटा का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया क्या है. द यूजर में सेव दिस डेटा टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करेक्ट है ना. तो अगर जो डायरेक्टर है उसमें अगर कोई ऐसा बंदा रहेगा कि जिसके ऊपर चार केसेस चले, तो आप इन्वेस्ट करते समय 10 बार सोचोगे कि नहीं ये कंपनी का डायरेक्टर, उसके ऊपर हाफ मर्डर के 12 केसेस चल रहे हैं और किडनैपिंग के 16 केसेस है ना. दूसरे डायरेक्टर ने 3 फोन किए और वो बेल पे है. विल यू इन्वेस्ट इन सच कंपनी? विल नेवर इन्वेस्ट. ठीक है, यस. नाउ देखो एग्जांपल है, एट हिंदुस्तान यूनियन लेवल we have always tried to grow our business while protecting the planet and doing good for the people. ye bata sakte hain what is the meaning of protecting the planet? patanjali ke product log use karte hain, bolo kya hai aise? patanjali itne kam samay itna grow kaise kiya? kya kya basically unhone branding kiya, koi bata sakta hai ki patanjali ne baaki companies mein kya hai? matlab baaki company kharab nahi hai but patanjali ne zabardast competition diya sabhi HUL jaise companies ko. मतलब जिस तरह से वो ग्रो हुए ना आयुर्वेदा, मतलब इस पे हानिकारक कुछ भी यूज नहीं हुआ, बस उसको बोलते हैं प्लैनेट एंड डूइंग गुड फॉर द पीपल. एंड जैसे बोलते हैं कि आपके पेश में नमक है क्या? मैं बोला मैं ऊपर से आपसे करता हूँ ना, क्या करेंगे ये आपको प्रियंका चोपड़ा के बाद ही पता चलेगा, ऐसा भी होता है आज तक पता नहीं चला. तो मैंने फिर ऊपर से डालना चालू कर दिया, क्या करेंगे नहीं है तो फिर, क्योंकि उस समय मैं दूसरा पेश यूज कर रहा हूँ तो ऊपर के डाल के ब्रश करना, क्या करें. बाद में मैंने वॉइस लिया जिसमें ये नमक कोलगेट है ना, तो वो पागल बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं. अब ये हमको कैसे पता रहेगा ना, बराबर है कि नहीं? हम थोड़ी साइंटिस्ट हैं, हमको सब पता है हर एक चीज में क्या इंक्लूडेड. वी बिलीव दैट जनरेट सुपीरियर लॉन्ग टर्म वैल्यू, वी नीड टू केयर ऑफ ऑल अवर स्टेक होल्डर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, शेयरहोल्डर एंड अबव ऑल प्लांट एंड द सोसाइटी. मतलब कंपनी का बोल सकते, कंपनी का एम क्या है कि हमको सबका इंटरेस्ट सर्व करना है, खाली पैसा नहीं कमाना है, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एज अ सोसाइटी सबको फायदा करना है. वी कैन कॉल दिस अ मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ सब्सटेंशियल ग्रोथ विद मोर पीपल एंटरिंग द कंजम्पशन साइकिल एंड एडिंग टू प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. इट विल बिकम इवन इंपॉर्टेंट टू डीकपल ग्रोथ फ्रॉम द एनवायरमेंट इंपैक्ट एंड डिजायर पॉजिटिव एंड Yes, तो ये उनका डिस्क्रिप्टिव डेटा है फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट. तो दिस टेल लॉट अबाउट द कंपनी, इसलिए एचयूएल इतने पावरफुल कंपनी है क्योंकि आई थिंक इंसू से ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे एचयूएल के. वो शेयर थोड़ा आराम से चलता है, हाथी जैसे टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, बट अच्छी कंपनी है. तो ये इससे क्या पता चल पता, जब आप ये पढ़ेंगे एज ए इन्वेस्टर आपको फील अच्छा होगा कि नहीं, कि कंपनी खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है, हर एक चीज पे वो ध्यान दे रही है. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, ये जो मैंने बताया था चार्ट डेटा, इसको क्या होता है ग्राफिकल डेटा. ग्राफिक अलग अलग हो सकते हैं, पाई चार्ट हो सकता है, बार डायग्राम है, शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक करके बहुत सारे ऑप्शन है. तो ये तीसरा डेटा है ग्राफिकल डेटा. बस आज इतना ही करते हैं, मैं थेरी जब तक चलेगा ज्यादा नहीं लूंगा, एक ही घंटा ही लूंगा. बस जिस दिन से मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा FM, उसमें फिर मैं आपका पूरा एकदम जितना समय 1.25 घंटा लूंगा, क्योंकि थेरी ज्यादा पढ़ा तो आपको बोर हो जाएगा. अपना भी आराम से पढ़ते हैं, 15 में खत्म हो जाएगा, बहुत ऐसा ज्यादा देरी नहीं है. ठीक है, चलिए. सो गाइस थैंक यू सो मच, एंड नोट्स आप जल्दी कलेक्ट कर लेना, एंड मिलते हैं अपन कल इसी समय इसी जगह. चलो थैंक यू सो मच, ऑनलाइन बाय बाय.